देखिए, संदेश खली में बुरी तरह से टीएमसी फंस चुकी है। संदेश खली में लोग खड़े हो गए हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि हमारी हम बहू बेटियों का इंसाफ खुद लेंगे। ऐसे में ममता जी और टीएमसी जो है बहुत बुखला गई है, सीट हाथ से जाती दिख रही है। अब वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये तो ऐसे बनाया जा रहा माहौल, ऐसा है नहीं है। इसलिए वो कभी कंप्लेंट करते हैं, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कहेंगे, लेकिन वहाँ के लोग अब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और वो खड़े हो गए हैं ममता जी के खिलाफ और टीएमसी के गुंडों के खिलाफ। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सबके सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात रखी और 10 गारंटियां अनाउंस की हैं, जिसमें एमएसपी, स्वास्थ्य, जीएसटी को सिंप्लीफाई करना, तमाम चीज़ें शामिल हैं। मित्र सर, देखिए, उनके पास 10 तो सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और 10 वो गारंटियाँ दे रहे हैं। पहले तो इस बात की गारंटी दें कि जो शराब घोटाले में उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है 2000 करोड़ रुपया, वो वापस लौटाएंगे। पहले इस बात की गारंटी दें जो स्कूल घोटालों में, बस घोटालों में और जल बोर्ड के घोटालों में और बिजली घोटालों में जो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं वो वापस लौटाएंगे। पहले इस बात की गारंटी दें कि जिन लोगों ने पैसे दिल्ली के लूटे हैं, सत्येंद्र जैन हों, मनीष सिसोदिया जी हों, संजय सिंह जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, उनका परिवार हो, उनको सजाएं दिलवाएंगे। पहले इस बात की गारंटी दें कि जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर शराब का नशा परोसा है, बच्चों को एक के साथ एक बोतल फ्री में दी है, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरविंद की गारंटी, हमने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखने की बात भी की और साथ ही भी कहा कि हमारे देश की जमीन चाइना ने कब्जा ली है, सेक्टर डी में जिसमें देखा जा सकता है, इस मामले में जवाब मांगा है, जवाब नहीं मिलता, अग्निवीर योजना को विड्रॉ किया जाएगा, एक सशक्त नीति बनाई जाएगी। वो ऐसी सारी बातें करेंगे। पहले तो अरविंद केजरीवाल जी पता नहीं राष्ट्र को आज कैसे समर्पित हो गए। वैसे तो वो पाकिस्तान को समर्पित रहते हैं, वैसे तो वो भाषा पाकिस्तान की बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले भारत में वो अरविंद केजरीवाल जी के नारे भी लगाते हैं। लेकिन चलो, शुक्र है जेल से बाहर आने के बाद ही वो राष्ट्र को समर्पित हुए। और जहाँ तक चीन और पाकिस्तान की बात है, पर जब पाकिस्तान तो बर्बाद हो चुका है और चीन भारत से इतना कांपता है कि आज वो सरहदों से दूर रहता है, और अरविंद केजरीवाल जी तो वो हैं जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के आजकल तलवे चाटते हैं, जिन्होंने चीन से पैसे तक ले रखे हैं। तो इसलिए ये जो देशभ्रष्टी नकली वाली है ना, जिसकी दिल में पाकिस्तान, मुंह पे भारत हिंदुस्तान, ये नौटंकी केजरीवाल जी नहीं चलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आप किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेशनल कन्वीनर को चुनाव के समय अंदर नहीं रख सकते और वो बाहर आए हैं, ये हमारे लिए बड़ा रिलीफ है। 400 पार का नारा इस बार नहीं होगा सिर्फ, और बेड़ा पार बीजेपी का नहीं होगा। पता नहीं भगवंत मान जी इतने खुश क्यों हैं। 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी वापस जेल जाएंगे। इस खुशी में बार बार वो कह रहे हैं मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। अरे भाई, आपको तो उल्टा दुखी होना चाहिए था। आपकी पार्टी के कन्वीनर को 2 तारीख को जेल जाना है वापस। जहाँ तक उनका कहना है कि वो नेशनल कन्वीनर थे, ऐसा है, शराब घोटाला करोगे, पैसा घोटाला करोगे, चाहे कितने भी बड़े पार्टी के मुखिया क्यों नहीं होगे, जेल तो जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते कहा कि टीएमसी के नेता आज अपने आप को बचाने में व्यस्त हैं, उन्होंने क्या काम करा है, उनके नेताओं ने क्या काम करा है, यहाँ माफिया राग चल रहा है, मोदी कहता है हर घर जल, टीएमसी कहती है हर घर बो। देखिए, बिल्कुल आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये आज बंगाल की सच्चाई बन चुकी है। ममता जी के जहाँ भी रेड करोगे वहाँ से बम मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी का हर घर में नल देने की बात है, प्रधानमंत्री जी की उन बहनों और माताओं को चूल्हा और गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया, उनको शौचालय बनाकर देने का काम किया, उनको नई छत बना के घर बना के देने का काम किया है, और ममता जी ने उनके बच्चों के हाथों में बम थरमाने का काम किया है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो आज जागृत किया है, यही बंगाल की आज सच्चाई है। हुगली में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आप लोग मेरा परिवार हैं, आप लोग मेरे देश के लोग हैं, मेरा संसार आप ही हैं, एक गार्जियन की तरह मैं अपने परिवार की सुरक्षा चाहता हूँ, जैसे आप अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं, विकसित भारत की कल्पना है मेरी और उनसे सिद्ध कर रहा हूँ। दूसरी तरफ टीएमसी और पार्टी के जो लोग हैं वो मेरे देश को और बंगाल को लूटने आए हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो हुबली में कहा उसकी आप अहमियत समझिए। 10 साल हो गए भारत के अंदर ये जो अखबारों में ऐड लगती थी, डब्बों से सावधान रहें, बैग से सावधान रहें, उसमें बम हो सकता है। दिवाली होली पे बम फूटते थे, दशहरे पे बम फूटते थे, जन्माष्टमी पे पुलिस चेकिंग करती थी बम फूटने वाला है। ये आतंकवाद को ख़त्म किया है मोदी जी ने। भारत को अपना परिवार, अपने परिवार के बच्चे समझकर उनकी सुरक्षा करने का, अर्जुन की तरह वो कवच पहनकर लड़ रहे हैं हमारे लिए, और यही कारण है कि हमारे दुश्मनों को उन्होंने एक एक करके बर्बाद किया है। और दूसरी तरफ देश को लूटने वाले लोग हैं जो 70 साल से देश को लूटते रहे और आज भी 40 चोर की तरह इकट्ठे होकर भारत को लूटना चाह रहे हैं। कोई भी राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं बदल सकता, ना ही सीएए के इम्प्लीमेंटेशन।
इन्फ्लेशन को रोक सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात अपनी रखते हुए बंगाल में गारंटी दी है। राहुल गांधी जी और एनडीए इंडी का जो माफ करना राहुल गांधी और इंडी अलायंस के जो लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम सीएए बदल देंगे, हम आरक्षण मुस्लिम को दे देंगे जो एससी एसटी का आरक्षण है, हम राम मंदिर के ऊपर पुनर्विचार करेंगे, और यहाँ तक उनके लीडर ने कह दिया ये तो एक कोविड की तरह कोरोना की तरह एक बीमारी है, इसलिए ये प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। लोगों के मन में डर और खौफ है कि क्या 500 साल पहले जैसे 550 साल पहले राम मंदिर छीन लिया गया था, क्या ऐसी ताकतें फिर से वो छीनेंगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है देशवासियों के होते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के होते ऐसा संभव नहीं हो सकता। सर आप 60 साल प्रधानमंत्री ने आज अपनी बात कर रहे थे कि जितनी उम्र अपनी सीटें भी कांग्रेस की आने नहीं जा रही, अधीर रंजन चौधरी का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो अडानी अंबानी से पैसों के लेन देन को लेकर। देखिए कुछ ना कुछ तो अंडानी अंबानी के साथ टीएमसी या कांग्रेस की डील हुई है, इसीलिए अचानक इन्होंने नाम लेना बंद किया। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जी हों या राहुल गांधी जी हों, ये पहले बहुत नाम लेते थे, और अब राहुल गांधी जी ऑलमोस्ट 55 साल के हो गए हैं, और ऐसे में भी अभी उनको 21वीं बार लॉन्च किया गया है, तो प्रधानमंत्री जी का कहना ठीक है जितनी उनकी उम्र है उतनी भी इस बार सीटें नहीं आएंगी।